ओके तो पहले क्वेश्चन समझना है। इसके पहले भी ढेर सारा हम बताए, इसके पहले भी कौन सा बताया था, डांस टीचर को आज का बताने वाले ये भी है सिचुएशन लेकर, मतलब जगह खाली है, पहले से जगह यहाँ खाली है उसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए एक दूसरा वाला यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट का, तो वो क्वेश्चन कैसे, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर इसका तुम्हारा सब बोल देंगे। यू आर रीता या रमेश, तुम रीता हो या रमेश हो, ठीक है। रनिंग ए टेलीफोन बूथ, इसका मतलब क्या होता है कि तुम एक टेलीफोन बूथ चला रहे हो। टेलीफोन बूथ देखिए, टेलीफोन बूथ कैसा होता है, टेलीफोन बूथ मतलब वही ना जहां से पहले जमाने में लोग फोन करते थे। पहले किसी के पास फोन नहीं था तो वो किसी की दुकान में जाकर फोन करता था, ठीक है। गए ऐसा करने के लिए हम लोग गए थे, बगल में दुकान था, उधर में दुकान था, लोग वहां जाकर फोन करते थे, फिर जितना पैसा करता था वो पैसा उसको देता था। ऐसे काफी जमाना था, जब नंबर एक चिट्ठा में नंबर लिख के जाओ, उसको बोलो इसको डायल करेगा, फिर फोन उठा फिर बात करो। ये देखा से फोन देखे मंडोल के पास था, ठीक है। और इसके अलावा टेलीफोन बूथ मतलब कि एक दुकान होती थी, स्टूडियो है ना अभी, वैसे ही दुकान होता था, वहाँ पर लगा होता था टेलीफोन। मान लो कि तुम रीता हो या रमेश हो, तुम एक टेलीफोन बूथ चला रहे हो, तुम्हारा ये दुकान है इन रतन जी रोड, पुराना बाजार धनबाद का। दुकान कहाँ है तुम्हारा, दुकान है रतन जी रोड में, पुराना बाजार धनबाद में। क्या करना है, गिव ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर टेलीफोन ऑपरेटर। तुम अकेले नहीं संभाल पा रहे हो अपने दुकान में, ठीक है, अकेले दुकान को नहीं संभाल पा रहे, क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है एक टेलीफोन ऑपरेटर के लिए कि तुमको एक टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए जो कि तुम्हारे दुकान में तुम्हारे बदले बैठे हो, टेलीफोन का सारा काम वो संभाल ले। तो टेलीफोन ऑपरेटर इन सिचुएशन वैकेंट कॉलम कहाँ डालेंगे, पेपर में सिचुएशन वैकेंट का एक बना रहता है कॉलम, वहीं पर तुम इसको डाल सकते हो, ठीक है। जितना पेपर आता है सब में रहता है सिचुएशन वैकेंट का कॉलम, ठीक है, वो खाली है तो वहाँ डाल सकते हो, वहाँ पर स्पेशली उसी के लिए बनाया जाता है, ठीक है, स्पेशली उसी के लिए बनाया जाता है उस पेपर में कि जिसके जगह पर कोई खाली है कहीं पर अगर वैकेंसी निकलने वाली है तो उसी में डालेंगे। तो कहाँ डालना है, सिचुएशन वैकेंट वाले कॉलम में डालना है, किसमें प्रभात का होगा, और बताना है कि अगर तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो हम तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का व्यवस्था कराएंगे, ठीक है। रेम्यूनरेशन का मतलब जैसे खाना पीना हो गया, रहने का व्यवस्था हो गया, मोबाइल खर्चा हो गया, ठीक है, वो सब सब तुमको दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट लिखने वाले हैं कि वो क्या क्या यहाँ लिखेंगे इसमें, समझे, ठीक है, चलो देखिए। ठीक है, देखो आंसर में क्या लिखे हुए हैं, ध्यान देना है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि उसको एक लड़का चाहिए जो कि टेलीफोन ऑपरेटर होगा, कहाँ काम करेगा वो, पुराना बाजार धनबाद में। हम आंसर कैसे लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट, जगह खाली है, ठीक है, वांटेड ए यंग टेलीफोन ऑपरेटर, क्या चाहिए उसको, एक बहुत ही यंग टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए फॉर ए टेलीफोन बूथ, किसके लिए चाहिए, एक टेलीफोन बूथ के लिए चाहिए, इन द सेंट्रल मार्केट भोपाल, ओनली स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 70 to 25, ठीक है। तो ये तो सेंसर यहाँ पे करेगा, लेकिन काम कहाँ देगा उसको, काम देगा भोपाल में, ओके। और कैसे चाहिए, स्मार्ट बॉय एंड गर्ल्स जो कि बहुत तेज हो, तेज लड़के या लड़कियाँ उसको चाहिए जो कि 17 से लेकर के 25 साल के बीच में आना चाहिए, विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल, इसको बातचीत करने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है बातचीत करने का सही तरीका, मीन्स वो बात करते करते अटके नहीं, कस्टमर को समझा सके, ठीक है। थोड़े जब कस्टमर को फोन करते तो किसे समझाता है वो लोग, समझता है ना, हाँ, तो वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है। विल बी कंसाइडरेड रिमुनरेशन बेस्ट इन द इंडस्ट्री,
अगर वो अच्छा काम करता है, बेटर काम करेगा, तो फिर कल दिन उसको इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर ऐसा कोई है तो फिर तुम मुझे इस पर पत्र लिख सकते हो, ठीक है, और फिर हमारे यहाँ आ सकते हो। कोई मतलब उसको पसंद आएगा, हाँ अच्छा है, बढ़िया है, तो फिर इस पते पर वो लेटर लिखेगा, बोलेगा हाँ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तब यह जो घुमा कर लिखेगा, है ना, डियर सर रमेश रतन जी, आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट, है ना, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव ऑल द स्किल्स, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो सारा मेरे पास है, सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडस्ट्री, हमको ज्वाइन करना है ना, बस वो उसको बुला लेगा, फिर उसको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। इस तरह से रिप्लाई किया, इसको चाहिए था, इसको रिप्लाई किया, ठीक है, तो फिर इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो अभी तक ने हमने कितना एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीट किया है, दो या तीन, दो तो कम्प्लीट किए अभी तक, ठीक है, तीन कम्प्लीट किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ मेरे क्वेश्चन देखो, ये इसको तुम लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। यू आर आर शर्मा ऑफ रांची, तुम आर शर्मा हो रांची के। यू वॉन्ट एन इंग्लिश ट्यूटर, तुम्हें एक इंग्लिश शिक्षक चाहिए। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, मैथ्स टीचर पढ़े थे कि मैथ्स टीचर चाहिए। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि डांस टीचर चाहिए। उसी तरह से यहाँ क्या है, इंग्लिश टीचर, ट्यूटर का मतलब होता है पढ़ाने वाले, ठीक है ना, समझ गया ना बात, नहीं बोलोगे। देखो टीचर और ट्यूटर, ठीक है, इसका मतलब होता है पढ़ाने वाला, है ना, ट्यूटर का मतलब हो जाता है कि घर जाकर पढ़ाने वाला, ठीक है, टीचर सिर्फ पढ़ाने वाले, मतलब टीचर शिक्षक, ठीक है। फॉर योर यंगर सिस्टर, तुम्हारे छोटी बहन के लिए, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, क्या करना है, इसके लिए मुझे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट लिखना है, और लिखने के बाद फिर हम उसको बोलेंगे कि हमें टीचर चाहिए। तो कैसे लिखे थे पिछले बार, हाँ बिल्कुल, या फिर वॉन्टेड ए इंग्लिश ट्यूटर, एन इंग्लिश ट्यूटर, ठीक है, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स 3 ईयर्स, है ना, ठीक है, फॉर माई यंगर सिस्टर एज 10 ईयर्स, ठीक है, और तुम तो उसमें वो भी दिखा सकते हैं कि हाँ तुम तो उसको कितना पर मंथ पैसा दोगे, ठीक है, नहीं दिखा सकते हैं कि पर मंथ PM 3000, ठीक है, हम तुमको तो देंगे कॉन्टैक्ट, ये सब दे सकते हो। तो आई थिंक ये वाला तो लिख ही लेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है, डिपेंड करता है तुम पे कि तुम चाहो तो अपना सैलरी दिखा सकते हैं कि तुमसे कितना दोगे, साथ ही मोबाइल नंबर दे सकते हैं कि हाँ तुमको वो कॉन्टैक्ट करेगा, ओके, या तुम एड्रेस दिखा दो, ओके, क्लियर, कितना तुमको एक्सपीरियंस चाहिए वो शो कर देना है, है ना, और स्पेशली किसके लिए चाहिए, इंग्लिश में ढेर सारा होता है, सब एंसी ग्रामर के लिए, स्पोकन के लिए चाहिए, या बुक्स के लिए चाहिए, ठीक है, तो किसके लिए चाहिए वो भी तुम खुद शो कर सकते हो, क्लियर। तो ये वाला जो है ना तुम खुद से करोगे, ठीक है, हम लिखा चुके हैं, बता चुके, प्रॉब्लम नहीं होगा, और मंडे को चेक करें, तो प्रॉब्लम दिक्कत, अच्छा दिक्कत होगा तो पूछना है, बताइए, ठीक है, फिर इसको पूरा करके आना, ओके।